दोस्तों, जिम करके मैं आ गई हूँ और अभी हो रहे हैं 10:45। तो बस मैं नहाने जा रही हूँ और निकिता झाड़ू पोछा लगा रही है। ये देखिए दोस्तों, बिस्तर गीला दिख रहा है, स्टीम वाला है जो, ये पूरा खुल गया और सारा पानी स्टीमर का बिस्तर पे गिर गया है। तो बस अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और फिर उसके बाद बनाएंगे दिन का लंच। तो दोस्तों, आज ये स्पेशल है, एक तो बंगाली साड़ी वाला आने वाला है और दूसरा स्पेशल ये कि सौम्या का कराएंगे हम हेयर कट, जो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। सौम्या के बाल जो हैं वो बड़े हो गए हैं, तो एक तो कर्ली हेयर्स हैं, फिर वो उलझ जाते हैं पूरे और मैडम बोलती हैं कि गुत करके आओ, तो गुत उसके बालों में होती नहीं है, तो इसीलिए मैं उसका हेयर कट करा रही हूँ। मैंने भी करा लिया अपने छोटे छोटे बाल, गर्मी आ गई है क्योंकि। और बस दोस्तों, यही है दिन की दिनचर्या। और विक्रम जी आज गए हैं ऑफिस क्योंकि अभी तक उनकी तबीयत हो रही थी ख़राब, और कल की पार्टी में मुझे बहुत मज़ा आया दोस्तों। और बस यही है, मैं लाई हूँ मैंगो आज सीज़न के फर्स्ट, और अभी मैं बच्चों को दिन में बनाऊँगी मैंगो शेक। अभी मैंने उनको पानी में रख दिया है, अगर आप मैंगो लेके आते हैं तो उनको 2 घंटे पानी में रख दीजिए ताकि उनका जो भी मसाला लगा होता है ऊपर से सारा निकल जाए, फिर वो ऑब्ज़र्व हो जाए अच्छे से, उसके बाद हम उसको ठंडा करके शेक बनाएँ और फिर विद आइसक्रीम खाएँ। मैं नहीं दोस्तों, बच्चे, क्योंकि उसमें बहुत कैलोरी होती है, 5 रोटी और 1 गिलास मैंगो शेक बराबर है, तो इसीलिए अगर मन करे तो रोटी खा लो, मैंगो शेक नहीं। तो अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। दोस्तों, जिम करके मैं आ गई हूँ और अभी हो रहे हैं 10:45। तो बस मैं नहाने जा रही हूँ और निकिता झाड़ू पोछा लगा रही है। ये देखिए दोस्तों, बिस्तर गीला दिख रहा है, स्टीम वाला है जो, ये पूरा खुल गया और सारा पानी स्टीमर का बिस्तर पे गिर गया है। तो बस अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और फिर उसके बाद बनाएंगे दिन का लंच। तो दोस्तों, आज ये स्पेशल है, एक तो बंगाली साड़ी वाला आने वाला है और दूसरा स्पेशल ये कि सौम्या का कराएंगे हम हेयर कट, जो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। सौम्या के बाल जो हैं वो बड़े हो गए हैं, तो एक तो कर्ली हेयर्स हैं, फिर वो उलझ जाते हैं पूरे और मैडम बोलती हैं कि गुत करके आओ, तो गुत उसके बालों में होती नहीं है, तो इसीलिए मैं उसका हेयर कट करा रही हूँ। मैंने भी करा लिया अपने छोटे छोटे बाल, गर्मी आ गई है क्योंकि। और बस दोस्तों, यही है दिन की दिनचर्या। और विक्रम जी आज गए हैं ऑफिस क्योंकि अभी तक उनकी तबीयत हो रही थी ख़राब, और कल की पार्टी में मुझे बहुत मज़ा आया दोस्तों। और बस यही है, मैं लाई हूँ मैंगो आज सीज़न के फर्स्ट, और अभी मैं बच्चों को दिन में बनाऊँगी मैंगो शेक। अभी मैंने उनको पानी में रख दिया है, अगर आप मैंगो लेके आते हैं तो उनको 2 घंटे पानी में रख दीजिए ताकि उनका जो भी मसाला लगा होता है ऊपर से सारा निकल जाए, से उसके बाद हम उसको ठंडा करके शेक बनाएं और फिर विद आइसक्रीम खाएं। मैं नहीं दोस्तों, बच्चे, क्योंकि उसमें बहुत कैलोरी होती है। तो दोस्तों, हो गए हैं नहा धो के तैयार और अब बनाना है खाना। आज सौम्या का कराएंगे हम हेयर कट। सौम्या इधर आओ। क्यों नहीं आ रहे? तो सौम्या के हेयर्स जो है ना दोस्तों, बात कर ली और घने हो गए, तो गर्मी लगती है और तो हेयर कट बहुत ज़रूरी है। लक्की कर रहा है अपना होमवर्क और मैं बनाऊंगी अब खाना और फिर उसके बाद हम जाएंगे थोड़ा सा स्लीपिंग मोड में। स्लीपिंग मोड भी वर्स्ट है ना। तो दोस्तों बस, और मेरा शेड कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, पुराना है बट अब गर्मियों में लाइट शेड ही अच्छे लगते हैं दोस्तों। और बस अब झटपट खाना बनाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। खाना क्या बनाऊँ? अरे यार, क्यों गंदगी करते हो तुम लोग, मेरे को ये समझ नहीं आता, ये पेंसिल का यहाँ क्यों कर दिया मम्मी? इसका आंसर बता दूँ? इसका आंसर कैसे कैसे बता दूँ भाई, पढ़ना पड़ेगा चैप्टर। अरे चैप्टर नहीं है, ग्रामर को। पढ़ाई बरकरार है और सौम्या की ड्राइंग आप देख सकते हैं। सौम्या दिखाओ, एक एक करके दिखाओ। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि सौम्या जाती है 8 क्लास, वहाँ पानी गिर गया बेटा, तो देखिए मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए दोस्तों, बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, सौम्या खुद बनाती है। आजकल सौम्या जा रही है 8 क्लास। अब पीछे और दिखाओ। हाँ बिल्कुल करो। ये देखिए, ये तो सर ने सबसे अच्छा बोला था, सबसे अच्छा बोला था दोस्तों, ये एक्सीलेंट बोला था, है ना सौम्या? चलो और दिखाओ। अब मैं आपको सबसे अच्छी ड्राइंग आने वाली है। अच्छा, ओ वाओ, ये प्रिंसेस है दोस्तों। सौम्या ऐसे ही रहने दो बेटा, ऐसे भी सही दिख रहा है। मैंने मम्मी को दिखाया, ये देखिए दोस्तों, ये सारे सौम्या बना रही है। अब लास्ट एक ओ फनी फेस है ना ये आप।
ये देखिए दोस्तों, बहुत सुंदर है ये, बहुत सुंदर दोस्तों। ये देखिए, ये है वो पिकाचू, मशरूम है, मशरूम विद पिकाचू है ना, पिकाचू नहीं है ये पोकेमोन है, पोकेमोन सॉरी। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सौम्या कैसा बना रही है, बस यही है। तो दोस्तों अब सौम्या अपना होमवर्क करेगी है ना, अब मैं एक और ड्राइंग बनाऊं, चलो बना लो, इसमें अच्छे से बनाना नहीं तो सर डांटेंगे, ठीक है। मैं यूनिकॉर्न बनाऊं? हाँ यूनिकॉर्न बना लो, अच्छे से बनाओ, फोल्ड कर लो पेज को। हाँ कहाँ बैठ के बनाओगे, वहाँ तो गीला हो रहा है, इधर बैठ जाओ, ऊपर नहीं जाना, यही बनाओ सारी चीजें ऊपर नहीं। सौम्या तो दोस्तों अभी बच्चों को पढ़ाती हूँ और फिर आपसे बाद में मिलते हैं, फिर मैं आपको अपनी यूनिकॉर्न वाली, हाँ यूनिकॉर्न वाली ड्राइंग दिखाते हैं, वेट कर रहे हैं हम, ठीक है दोस्तों, वेट करते हैं सौम्या कब तक बना के लाती है। पसंद करना, पसंद करेंगे आज आप पुलाव, पुलाव में देखो मैं डालूंगी वेजीज, वेजीज बीन्स है, न्यूट्रेला डालूंगी, नहीं न्यूट्रेला, आलू और मटर भी है मेरे पास, न्यूट्रेला नहीं, न्यूट्रेला तो डालना पड़ेगा ना, न्यूट्रिशन हमें भी तो चाहिए, मैं जिम करके आई हूँ, तो पनीर डाल। और अब दोस्तों ये कह रहा पनीर मिलाई मैं, दोस्तों ये कह रहा है खिले खिले होने चाहिए चावल, तो चावल का मन करेगा ना खिलने या भुजने का, मेरे मन पे थोड़ी रहेंगे चावल, तो अच्छे से बना लेना जैसे बिरयानी के चावल होते हैं। अरे भाई मैंने कुक का कोर्स हो गया किया है, मैं यहीं आके सीखी हूँ कैसे खाना बनाते हैं, ठीक है। मेरे आपको बनाना पड़ेगा, उसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, जब तेरी शादी करूँगी ना मैं तो अपनी बीवी जो लाओगे ना आप अपनी वाइफ, वो कुक वाली ना जिसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स करा हो उसको देगा ऑर्डर, ठीक है, समझ में आ गई। बना दो अभी देखो जैसा आता है दोस्तों वैसा बनाऊंगी, पुलाव बना रही हूँ बट जैसा आता है वैसे, खिला खिला बुझा बुझा मैं ऐसा। डबल की वाले चावल लाना फिर अगली बार, डबल की वाले चावल इतने महंगे तो यही है, देखा नहीं कितने महंगे चावल लाए, डबल की वाले इतना सा कटा था उसमें, डबल की बेटा डबल चावी वाले, डबल कोई भी चीज डबल करके मत खाओ, सिंगल के चक्कर में मम्मी इतने पैसे खर्च कर रही थी, तो की चावल चावी के चावल के अंदर की डाल दूंगी दोस्तों। एक डबल चावी के चावल आते ना बिरयानी वाले, कहता वो लेके आओ, अब हम रोज भात खाने वाले पहाड़ी हम इतने महंगे चावल कहाँ से खाएंगे, यही इतने महंगे ला रखे हैं इसके पापा, बहुत महंगे चावल है वो भी। तो दोस्तों जैसा मुझसे बनता है मैं बनाती हूँ और ज़रूर दिखाऊंगी लक्की के रिव्यू कि ये क्या कहता है, तो चलते हैं किचन में और आपको दिखाते हैं। न्यूट्रेला नहीं डालना, डालूंगी थोड़ी तो सी, फिर चावल खिले खिले, चलो देखते ट्राई करते हैं, मस्ट ट्राई, और दिखाते हैं आपको पुलाव क्या दिखाना है दोस्तों, पुलाव तो सभी बना लेते हैं, पुलाव भी क्या कोई दिखाने की चीज़ थोड़ी ना है, कुछ अच्छा बनाऊंगी ना ढोकला ओखला वो दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं, तो पुलाव बनाने के बाद ये जरूर दिखाऊंगी कि लक्की क्या कहता है, टेस्टलेस है या टेस्टी है, ठीक है दोस्तों, तो वेट एंड वॉच। कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा है, इसमें आप देख सकते हैं इसमें है चावल और आलू, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए चावल भिगो दिए मैंने आधा घंटे के लिए और आलू भी डाल दिए हैं, ये है न्यूट्रेला, ये है मटर और दोस्तों बीन्स, और मटर मैं फ्रोज़न करके रख देती हूँ, सर्दियों में ला के फ्रोज़न कर रखे हैं वो है, और ये है प्याज और अदरक, ये हो गए खड़े मसाले, और ये हो गए मेरे टमाटो डालने के लिए, नमक हल्दी धनिया हम मिर्च ऊपर से डालेंगे, तीन मैंने काट दी हैं खीरे, ये होंगे मेरे सैलड, साथ में दूंगी दोस्तों बच्चों को मैंगो काट के, और रात के लिए तैयार है करेले, तो कुछ करेले तो दोस्तों पक गए हैं बट मैं हाँ बेटा वो तेल से लग रही है बाबू, बाहर का दरवाजा खोल दो दोस्तों, ये तेल जैसी प्याज ब्राउन होगा तो सारी वेजीज को भून लेंगे। तो दोस्तों टमाटरों को कट कर लेंगे, कभी भी टमाटरों को मैं पुलाव जो बनाती हूँ उसमें चॉप नहीं करते, मोटे मोटे स्लाइसेस में काट लेंगे, अगर आप इसको ग्राइंड कर लेंगे ना दोस्तों तो चटनी जैसी बन जाती है, वो बिल्कुल भी ना करें, बस इनके दो दो हिस्से करके रख दें, और साथ के साथ हमें ये भी देखना है कि हमारा प्याज जले ना, गोल्डन ब्राउन करना है, वेजीज को भी हम अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लेंगे, फिर चावल डालेंगे, फिर हम उसको मेजर अनुसार मैंने लिए हैं 2.5 गिलास चावल, तो 2.5 गिलास पानी डलेगा, और फिर उसके बाद हम उसको पका लेंगे। जैसा आप देख रहे हैं चावल और सारी वेजीज अच्छे से भून रहे हैं हम इसे, और भूनेंगे 5-7 मिनट, उसके बाद इसमें पानी डाल के एक सीटी लगाएंगे। सैलेड मैंने काट लिया है,
और आम कट करके मैंने फ्रिज में रख दिए ताकि थोड़े ठंडे हो जाए तो खाने में बच्चों को मजा आए। अच्छा तो छोटे छोटे बच्चे हो जाते हैं होते हैं। इसको हम मैं ले जाऊंगी अभी थोड़ी देर ना तो बतेरे हो जाएंगे। हाँ बहुत सारे इनके बहुत सारे बच्चे इसका दो कलर ये 3.5 कलर इसका। अच्छा बट मुझे तो वो अच्छी लग रही है अच्छी लगी। उसका कपड़ा इतना सॉफ्ट है ना साइनिंग मारेंगे पहन से पता लगेगा कोई चीज पहनी है कपड़ा है ना। ब्लाउज भी होगा इसमें तो दूर से पता लग जाता है। ये उन्होंने जिनकी जेब की लड़की पसंद कर ली है ना इसीलिए उसको साइड में कर मम्मी ने ये साड़ी ली है बंगाली वाले अंकल से। मम्मी सीधा दिखाओ ना बंगाली वाले अंकल। अब सीधा हूँ नहीं आपने अपनी तरफ सीधा रख लिया। अपनी तरफ सीधा है मम्मी है? आपकी तरफ सीधा कर दिया हमारी तरफ उल्टा। हाँ ये है सीधा। ये सीधा कहा है ये उल्टा है। ये उल्टा है। हाँ ये है दोस्तों। ये देखिए मम्मी ने ये साड़ी खरीदी है और हमें जरूर बताइएगा कमेंट में कि कितने तक की लग रही है। ये बिल्कुल बंगाली साड़ी है दोस्तों बहुत ही सुंदर लग रही है। 10 रुपए की 10 रुपए की 10 रुपए की बहुत महंगी कह दी 10 रुपए की। तो और दूसरी भी दिखाना मम्मी दोस्तों। ये दूसरी वाली भी है जरूर बताइएगा कौन सी अच्छी लग रही है। मम्मी जरा ऊपर करके दिखाओ कौन सी। ये प्योर कॉटन है इसमें रिवाइन कह रहे थे क्या कहते थे ये डालना है और ये हमेशा ऐसी रहेगी। मम्मी बहुत सुंदर लग रही है। पिंक कॉटन का ब्लाउज सिलवाना है। बहुत अच्छी मेरे को दोनों ही बहुत सुंदर लग रही है दोस्तों। बहुत कॉस्टली साड़ी है ये जरूर बताइएगा कितने की लग रही है फिर मैं आपको प्राइस बताऊंगी। अभी मम्मी इसका ब्लाउज निकाल लेगी और फिर हम इसको देने जाएंगे टेलर को। तो बच्चों को लाने का टाइम हो गया है और अब मैं जा रही हूँ। सौम्या की क्लास थोड़ा दूर है तो 15 मिनट लगेंगे जाने में और आज हम कराएंगे सौम्या का हेयर कट। तो देखिएगा दोस्तों कि कैसी लग रही है सौम्या और ज़रूर बताइएगा मुझे। तो जल्दी जल्दी चलते हैं और मिलते हैं आपसे वहीं सीधा सलून में। ओहो स्ट्रेट कराने पड़ेंगे तेरे बाल तो ऐसे कर ऐसे। और उसके बदले में मिला है क्या मिला ये चॉकलेट शेक चॉकलेट आइसक्रीम शेक। ओए